ईशावस्य विदं सर्वं जत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा माग्रिधः कस्य स्वीद्धनम्। हे प्रभु, आपण सकल जगतर अणु परमाणु एवं प्रति सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रत्येक स्थान रे आपणंकर अवस्थिति मु अनुभव करे। ये संसार समस्त परिवर्तन भितरे चलचंचल भितरे जे अचंचल और स्थिर रही जगत को परिचालना करुछंती सेई प्रभुंक प्रति मोर भक्ति रहो। निर्लोभ भावरे त्यागपूर्वक भोग करे एवं संसार प्रत्येक पदार्थ आपणंकर बोली भावी जेतेबेले जीवनचर्यारे मु प्रयोग करिबी सेतेबेले अनासक्त भावरे आपणंकर भक्त होई जीवन को सफल करिबी। एतिके प्रार्थना प्रभु। उपनिषदर उपकथा ए आलोचना चक्र रे समस्त श्रोता बंधु मानंकु समस्त दर्शक बंधु मानंकु एवं समस्ते ए उपनिषद को भल पाउथिबा समस्त आत्मीय मानंकु मु मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करूछि। आमे समस्ते जानिछंती आम जीवनर जो प्रगति होउछि आम जीवनर गतिपथर प्रत्येक मुहूर्त को जे रसायनित करूछंती से होउछंती आमर प्राचीन संस्कृति प्राचीन सभ्यता प्राचीन ग्रंथ एवं प्राचीन उद्घोष वेद दर्शन उपनिषद परवर्ती क्षेत्र रे आमर जेते गुड़िए पुरातन गाथा आमर समग्र जीवन को नियंत्रण करुछे। आमे जेतेले भोगवाद आड़ को चली जाऊछु आमको जेतेबेले संसार रो कौनसी आकर्षण आकर्षित करुछे जेतेबेले इंद्रिय माने आमको रूप रस शब्दर आकर्षण भीतर को नहीं जाउछंती सेतेबेले जीवन को बाधा दे प्रकृत मार्ग रे नवा पई जो मान भीतरे अंतर भीतरे प्रेरणा सृष्टि करुछंती से ही आमर वेद उपनिषद। जेतेबेले जीवन रे गतिपथ दुखर आड़ को जाउछि सेतेबेले जे आमको प्रकृत मार्गदर्शन करुछंती से होउछि आमनकर उपनिषद। उपनिषद वेदर संहिता आरण्यकर एक प्रमुख उदाहरण एवं आमको नियंत्रण करिवारे जे मार्गदर्शन करुछि से होउछि उपनिषद। उपनिषद रे तीनटी शब्द अछि उप नि सद। उपशब्दर अर्थ होउछि निकटरे जेमिति कूलर निकट को आमे उपकूल कहू सेमिति ब्रह्मंक निकटरे गुरुंक निकटरे मार्गदर्शकंक निकटरे नि निर्णयपूर्वक निश्चिंतपूर्वक एवं निष्पत्तिपूर्वक सद बसिबा जीवनर लक्ष्य बंचिबार लक्ष्य संसार को आसिबार लक्ष्य एवं प्रभु मते संसार को पठेथिबार लक्ष्य सबु लक्ष्य को जानिबा पई जो गुरुंकर चरण रे बसी आमे प्रार्थना करिबे हे गुरु हे मार्गदर्शक आमको अंतत पक्षे आपणक निकटरे बसिला बेले जीवनर निर्णयर मार्ग आपण निष्पत्ति करी आम आगरे उपस्थापन करंतु ताकु ही उपनिषद। प्रति समय रे जेतेबेले जीवन को कष्ट आसुची एकथा नचिकेता कठोपनिषद रे पचारिला मोर आत्म लक्ष्य कौन जीवन मृत्यु परे आत्मा कौन हुए मुई तो सब कथा जानिली आत्मा केमिति जानिबे ताकु ही मैत्रेय याज्ञवल्क को पचारिले बृहत्तारण्यक उपनिषद रे ये संसार रे भौतिक संपत्ति रे मते मिलिबो कौन जहां मिलिले आउ मिलिवार आवश्यकता हबो नाही जहां को पाइला परे आउ पाइवार इच्छा हबो नाही जहाँ पाईगला परे सबु पाइली बोली भाभी जीवी सही ज्ञान मते टिके मिलू सही ज्ञानर संभार को सही ज्ञानर समाहार को आमे कहू उपनिषद। वेद आधारित उपनिषद एगारटी एवं परवर्ती क्षेत्र में अनेक महात्मा महापुरुष माने उपनिषद लिखिछंती 108 उपनिषद अछि सही उपनिषद को आधार करी उपनिषदर सही संभार को आश्रय करी किछि लोक मानंक दुखिरु किसी आख्यायिका मध्यम किसी जीवन गठन सूत्र मध्यम आम आपण मान पाखे से गंभीर रहस्य को उपस्थापना करने को जाऊँ मु मानुछि उपनिषद एक गंभीर कथा आरण्यक कथा ब्रह्मसूत्र ब्रह्मज्ञान जो ब्रह्मज्ञान गुरु शिष्य मध्य केवल आदान प्रदान हुए गुरुचरण से शिष्य बसी शंका कै प्रश्न पचारे हे गुरुदेव जीवन लक्ष्य कौन आसवार लक्ष्य कौन
मो जीवन प्रकृत मु कौन करवा उचित कौन अनुचित जापना से गुरु तुम जो उपदेश दूसरे गुरु शिष्यर अत्यधिक गुरु शिष्यर अति मर्मस्पर्शी कथा को थिला उपनिषद। ये उपनिषद ज्ञान में प्रथम जो मंत्र आम पढ़िलु ईशो उपनिषद प्रथम मंत्र कहते ईशा बाश्यमिदम सर्वम जत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक तेन भुंजी था माघ्रदह कश्यस्विधनम। ये तो विशाल कथा ये गोटे पद आम चिंतन करवा ईशा बाश्यम इदम सर्वम परमात्मा संपूर्ण जगतर अणु परमाणु रे व्याप्त। मनुष्य बेले बेले भावुची ईश्वर सतरे कौन अच्छा बेले बेले दुख जंत्रणा जो जर्जरित हो चिंतन करुच्ची प्रभु जदि कौन था एमती हाँ वर्तमान पर्यंत ईश्वर संपर्क तार अभ्रांत धारणा जे ईश्वर अच्छा संपर्क बुझीना यो चाकचक्य भितर भूली जाऊला बेले एक चिंतन करवा आम आपने जानते समस्ते विदुर महाज्ञानी केवल ज्ञानी एत नुहे जे संपूर्ण जगतर अनेक घटना सहित संपृक्त हो मनुष्यर जीवन कौन करवा उचित क्यों मार्ग गले जमी आकर्षण से रक्षा हाब के मार्ग गले त्रुटि विच्युति रक्षा पाई जीवन को सरल सुगम सफल करेब ए जड़े प्रवीण लोक विदुर थे विश्व भ्रमण में बाहर विदुर संपूर्ण विश्व भ्रमण विभिन्न अंचल को जा ऋषि मुनि साधु संत ग्रामीण लोक मान आरंभ कर विभिन्न प्रकार लोक जो माने न्यायपति जो माने ग्रामर अधिपति जो माने राज्यर अधिपति विभिन्न जो संभ्रांत व्यक्ति मान सहित सामंत राजा मान सहित विभिन्न वर्गर लोकों सहित मिसले उद्देश्य हूँ प्रत्यावर्तन करी विश्वर समाचार जहाँ निकटने से रहुते धृतराष्ट्र को जनइबे उद्देश्य हूँ जे संपूर्ण लोकलोकांतर भितर परिभ्रमण कर लोक मान जो समस्या सब अच्छी लोक मान भितर जो कथा निजे सही पार ना कि राजा को कही पार ना निजर विचार अन्य मान पाखे उपस्थापन कर पार ना ये भाविले हुए तो से मो पाखे कहले मु राजा पाखे उपस्थापन कर सम्राट पाखे कहले सम्राट तार समाधान करे मत न जानतु किंतु उपनिषद को जानतु लोके सत्य को जानतु लोके रामायण जानतु लोके महाभारत जानतु लोके वेद जानतु किंतु मोते जानिबार आवश्यकता ना यही भाव विदुर समस्त दृष्टि बुली आसी भावुले लोके मोते जानतु ना मु लोकंर सत्य को जानी और लोकों पाखे उपस्थापना कर राजा पाखे उपस्थापना करी अनेक ग्राम अनेक सहर नगर प्रत्येक पूर पल्लीर जी संभव द्वारा पदब्रजरे विभिन्न स्थान भ्रमण कर पुणी तो प्रत्यावर्तन करे ना केवल तो भ्रमण करे ना मनुष्य जिते दिन आग को जाए पुणी पछक फेरे कहीं पछक फेरिले तार अनुभव से अन्य मान को बांटि पार ये उद्देश्य फेरिले फेरला निजर विश्राम आदि समाप्त पर जिते राजा को देखा करिया गले सम्राट को देखा कले कले महाराज मु विश्व भ्रमण करी अनेक अनुभव नहीं मुसी सम्राट कहले विदुर मुरा चक्षुहीन मु तो चेष्टा कले भी देखिपारि ना किंतु तुम्हें जो जिनस को बुली बुली देखीच अंत पक्षे तुम्हें तो वर्णना कले मुको मोर अंतचक्षुरे मुना बहिर्चक्षु देखिपार नहीं अंतचक्षुरे तो अनुभव करी विदुर कह महाराज आपण दृष्टिभंगी सिना केवल रूप देखिपारे ना आखि आगे के देख आखिर शक्ति के आखि आगे परदाटे रही देखिपार ना आखि दूर को देखिपार ना निकट को देखिपार ना आखि निज आखि को देखिपार ना निजर भ्रूलता को देखिपार ना निजर डोला को देखिपार ना आखिर केते शक्ति आज्ञा कहले आपण आखि ना बोली एत दुखित होती परमात्मा समस्त को सब जिनस देला बेले किसी भी कम बेसी करती यहाँ ईश्वर गोटे दान बोली भावतु जदि ईश्वर किसी कम न करे तो आम पुणी ईश्वर संबंध में अनेक चिंतन कर आम पुणी पूरण करने जत्नवान हवा केमी तेना परमात्मा कि बेले बेले कि कम रखि था कहीं ना से शक्ति सामर्थ्य अर्जन कर से निकट को जीवाई आहरी टी प्रयत्न कर आपड़ भावतु नहीं केवल चक्षु ना बोली आपत विषन्न हूँ ना कि बर मु कौन देखिली जो रहस्य मुझे देखिली आपण पाखे उपस्थापन करुच्ची धृतराष्ट्र आहरी उत्साहित ही कहले कदुर सतरे तुम्हें कौन देख लगे मुझे अद्भुत कथा देखिली
जो उपनिषद कथा आम कौल ईशा बाश्यम इदम सर्वम जतकिंच जगतियाम जगत संपूर्ण जगत परिवर्तनशील भितर जो अपरिवर्तनीय सूर्य को केन्द्र कर ग्रह बुलू ग्रह को केन्द्र कर उपग्रह बुलू कि भितर गोटे नियंत्रित सत्य चली जमी पृथ्वी 365 दिन कक्षपथरे 24 दिन अक्षपथरे परिभ्रमण करवर्तन हुए ना सबुदिन घूरुंच सत्य किंतु अपरिवर्तनीय सत्य गोटे अच्छी नियम घूरुंच समयानुक्रमे घूरुंच एवं के भ्रांति होना कौन देख ला मुझे देखिल आज्ञा अद्भुत एक वन से वन जड़े व्यक्ति बुलूला बेले जोबले अरण्यर सौंदर्य भितर विमोहित हो जा विमोहित हो जोबले से देखुची कौटी पहाड़ कौटी झरणा कौटी सुंदर वृक्ष लता पुष्प फल विमंडित होरण्य से अरण्य भितर बुलू बुलू से देख जोबले से शोभा भितर निमज्जित हो जाते से निजक भूली जाइए जाणिने जोबले निजर स्थित को फेरला बेले तल को चाहिए देखिले हिंस्र जंतु तीन टी व्याघ्र भल्लुक सिंह अनति दूर से आक्रमण करने ये दृश्यपटल देखुला बेले आक्रमण करने को आत्येक लोक आज्ञा जीवन बंचाक चाहे संसार मायाजाल भितर बंची लोकर गोटे मात्र लक्ष्य मु बंचीबी मु भलरे बंचीबी एवं मु बंचा भितर मूल लक्ष्य हूँ मु सुस्थ सबल समर्थ ही बंचीबी एवं प्रत्येक लोक चाहे मुझे सुख चाहूँ ये सुख भितर दुख मिसिकी न रहू केवल सुख रहू केवल सुखर संभार्ग पाए दुख रहित सुख सुख चली एक नुह सब सुख भितर रही एणु निजक बंचापी से दौड़ा आरंभ कला दौड़ी भावुची पछरे सिंह दौड़ी व्याघ्र दौड़ निश्चित मत खाइवाप दौड़े सेनेक दिन उपवास थे बोध हुए मो भि गोटे शरीर को पाइबापी भोजन करने रक्त मांसर शरीर को भोजन करने लालायित ही मो पछरे दौड़ भयरे दौड़ दौड़ी 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 देखला आउ उपाय किसी ना जो निकटतर हवा को लक्ष्य करुच्ची दौड़ी गोटे गच्छ को धरी जो जीवा चाहिए पड़गला तले पड़गला देखला जे गोटे गर्त भितर को पड़वाक जाऊँगी तेणु गर्त भितर को जवाब तार हाथ में यथासम्भव गोटे चेर पड़गला से चेर को धरी से तल को ओल्ला बेले लक्ष्य कला जे अंत पक्षे जो हिंस्र जंतु मत आक्रमण करने को आसुंच जो बुदा भितर छोट छोट लता भितर मत देखिपारे ना मुझ सुरक्षित हो दीर्घ निश्वास मारि सारा से जो चेरटा को धरिक जो तल को चाहला तार बंचार समस्त आशा मलिन पड़गला कहीं गर्त भितर गोटे विराट जल भंडार अच्छी सीना छोट जल भंडार टी देखा जा किंतु ता भितर एक विराट अजगर आँ कर रही कौन पाई ना व्यक्ति खसिले मुझे खाइबी अनेक दिन सी भी पड़ जाएगी से बंची रही उद्देश्य हूँ देखला उपरे सिंह जगी तले अजगर आँ कर रही जो चेरटा को धरी से चेर को धला कलार मूसा दीटी काटवा आरंभ कले कारण जो चेरटा टाणी ही जा चेर को धला कला मूसा काटिबा को आरंभ एवं सबुठारु बड़ कथा हला गोटे फणा नाग सापटे गोटे सापटे तार फणा उपरे गोटे मुक्ता मणि भली जमिति मणि थाए साप उपरे से मणि जमिति अत्यंत चिकचिक करुची माने आलोकित करुची तार आलोक रे संपूर्ण बण को जमिति आलोकित कर दउची प्रज्वलित कला भली लागुची भयरे श्वेत पड़गला कहीं ना बंचार आशा कौटि ना तल को पड़े अजगर खाइब ऊपर को जदि भी कौन सी बाटे रक्षा करी जीवी ताहले सिंह मत आक्रमण कर सबुठ बड़ कथा जो चेर को धरी से चेर को गोटे धला मूसा और कला मूसा काटुची एक केवल वर्णना करुं किए विदुर वर्णना करुं धृतराष्ट्र पाखे धृतराष्ट्र पचारुंट विदुर व्यक्ति बंचवा संभवपर नुहे कहीं ना जदि चेर को तो ये जो धला मूसा कला मूसा काटुंट एमने धीरे 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 समय लगे मूसा तार छोट दात काटु काटु कौन सांगे सांगे काटिदेव कि गोटे विराट चेर को काटापी समय लग समय भितर बंचार कि मार्ग जदि ये व्यक्ति पाखे पहुँची जाता अंत पक्षी से तो सुरक्षित हाँ विदुर कहे महाराज प्रत्येक लोक प्रयत्न कै आज्ञा
जीवन दुख रु मोचन कर सुख प्राप्ति निमित्त प्रत्येक लोक प्रयत्न करे क्या आत्मार लक्षण पा हूँ प्रयत्न गोटे आत्मार जो छोटी लक्षण इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ज्ञान जो लक्षण भितर गोटे जिनस हूँ प्रयत्न मनुष्य प्रयत्न करे प्रयत्न करवा मनुष्यर धर्म एथिपाई से बंचवाक प्रयत्न करुचे किंतु व्यक्ति देखुची मुझि भी प्रयत्न करी ऊपरकू उठवा चेष्टा करुच्चे बहुदिन अपेक्षा करह तार पार्टी भितर मोर रक्त को शोषण कर निश्चित अपेक्षा कर बसी जदि मु छाड़ीदे तौक पड़ जाऊँगी भावुची सिंह पाखु रक्षा हे ताल अजगर मत निश्चित मार ए सुरक्षित होबी ना तथापि धृतराष्ट्र पचारे कहते आश्चर्य हमार संसार एनेक विपद आसे यपद भितर कौन अच्छे कहे नाई महाराज मुझे जो दृश्यटी देखिली से हूँ वर्णना कथा कह जो दृश्य देखला पर मत आश्चर्य लगलानी मत लगला सतरे मनीष कौन एभली चिंतन कर पारे से कथा जो देखिली मुझे वर्णना करने को जाऊँ धृतराष्ट्र आहरी उत्सुक ही पचारे कहे विदुर कौन से रहस्य टीक मत कह विदुर कहले महाराज तले विपद उपरे विपद विपदर गंताघर भितर विपदर चतुर्पार्श्व भितर घेरा भितर थिबा गोटाए मनुष्य जहार बुद्धि अच्छी बेक अच्छी विचार अच्छी परमात्मा जहाँ को बेक दे भूल कम कला बेले भितर लज्जा संकोच दे भल कम कला बेले भितर उत्साह प्रेरणा प्रचोदना दे से मनुष्य मध्य बेले बेले केमिति आकर्षित हुए से उदाहरण कहे कहे कौन है विदुर ना से मनुष्यटी जेतेबले चेरटी धरी तौकू उड़ी जीवन संपूर्ण भाव जाणीदेलाजे मृत्यु निश्चित से समय वृक्ष उपरु गोटे महु फेणारु बिंदु बिंदु हो महु तार शरीर उपरे पड़ा देखला जेते शरीर उपरे कौन पड़ुची लक्ष्य कला ये हूँ महुर बिंदु गुड़िक उपरू पड़ुची धीरे 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 मुख को नहीं घुंचला से महु फेणा पर्यंत महुर जो धारा पड़ुची महुर जो बिंदु बिंदु तलक बिंदु 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 पड़ुची से बिंदु बिंदु आड़ निजर मुख को खोली देला जो बिंदु गुड़िक पड़ुची निजर जिहार आस्वादन करने जिहा उपरे पड़ुची ताकु चाटी से सप निज भितर ओठर केतले पड़ुची जिहार चाटी दौची केतले मुखरे पड़ुची जीभ लगे टाणी आणुची ताकु से महु को भोजन करने को चली महु को जोबले खाऊ मु भाविली मृत्यु तले अपेक्षा करिछि मृत्यु उपरे अपेक्षा करिछि जो आश्रय नहींच से आश्रय को कलाधला मूसा काटुची तथापि मनुष्य पुणी जिते भोगर कि मिलूँ से छाड़ को प्रस्तुत नुहे भावुची मु आउरी बंचीजी आउरी भलरे बंचीबी धृतराष्ट्र कहिले एथिरे जो सिंह एवं जो तुम अजगर देखुच एवं जो धला कला मूसा काटुची एथिरे आश्चर्य होबार कौन अच्छी कहे नाई महाराज या मु आपण को एक विश्वर चित्र आपण को आगे देखेली संसार एक चित्र आपण को देखा यह आख्यायिका काल्पनिक जीवन गति को जीवन रहस्य को उद्घाटन करिवार एकमात्र होउचि आपणकर सूचक कहले कौन विदुर तुम वर्णना शैली तो अति सुंदर वर्णना कल कहले महाराज जो बण आपण देखुं ये बण होउचि संपूर्ण जगत ये जगत भितर जमी बण भितर आप हिंसर जंतु भी अच्छा मृग भी अच्छा विभिन्न प्रकार खाद्य खादक उभय अच्छा सर्प भी अच्छा मूषिक भी अच्छे सिंह भी अच्छा मृग भी अच्छा खाद्य भी अच्छी खादक अच्छी ये विभिन्न प्रकार पुष्प अच्छी फल अच्छी कानन केदार शस्य केदार सबकि अच्छी सेमती संसार भितर विविध प्रकार लोक अच्छा से वेदर मंत्र कहते जनम विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी जथौकसम केड़े प्रकार लोक अच्छा संसार भितर किए बांगरा किए लंबा लंबा किए कला किए धला संसार भितर चरित्र भितर किए सरल किए जटिल किए क्रोधी किए शांत ये विचित्र बण आज्ञा ये संसार यही बण भितर जोबले मनीष प्रकृतिर प्रलोभन अरण्यर प्रलोभन दर्शन करिवारे मुग्ध होता से जापार नहीं जे संसार भितर थी व्याघ्र भालू मत आक्रमण करो संसार पर व्यस्त हो जो पुत्र कन्या भाई बंधु कुटुंब से व्यस्त होते तार वृद्ध बार्धक्य अवस्था आसने से आक्रमण करते हतादर करता से भूली जाऊँ जो गर्त भितर से जा
ସେଇ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଜୀବନର ଏକ ଦୁଃଖର ସଂସାର। ଯେଉଁ କଳା ଧଳା ମୂଷା କାଟୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାତି ଏବଂ ଦିନ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଜୀବନର ଚକ୍ରରେ ଆମ ଜୀବନକର ରୂପକ ଧରିଥିବା ଆଶ୍ରୟକୁ କଳା ଧଳା ରାତି କାଟୁଛି ତ ଦିନ କାଟୁଛି। ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ବତିଷ୍ଠତି ଜରା ପରିଚର ଦୟନ୍ତି, ବାଘୁଣୀ ଭଳିଆ ଜରା ଅବସ୍ଥା ଚାହିଁ ବସିଛି କେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ ମୁଁ ତୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବି। ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ବତିଷ୍ଠତି ଜରା ପରିତର ଜୟନ୍ତୀ, ରୋଗାଶ୍ଚ ଶତ୍ରବୈବ ପ୍ରହରନ୍ତି ଦେହମ୍। ରୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ ପିଟୁଛି, ଆଜି ଜ୍ୱର, କାଲି ସର୍ଦି, କାଲି ପେଟ, କାଲି ମୁଣ୍ଡ ରୋଗ। ଲୋକ ତଥାପି ଅହିତମ ଆଚରନ୍ତି, ଲୋକ ତଥାପି ଭଲୋଭ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆସକ୍ତି ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏତତ୍ ଚିତ୍ରମ୍, ସେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁର ଭିତରେ ରହି ମଧୁବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ସେ ଆଖିରେ ପାଟିରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି, ଦେଖୁଛି ମଧୁବିନ୍ଦୁକୁ ଆଖିରେ ଏବଂ ଜୁହାରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି। ଭାବୁନାହିଁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ଈଶା ବାସ୍ୟବିଦମ ସର୍ବମ୍, ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରେ, ତାହେଲେ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତା, ଜୀବନର ଚକ୍ର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତା, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତା, ଜୀବନ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତା। ପରମାତ୍ମା ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳନ୍ତ। ବାବୁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ତୁ ସଫଳ କରିଛୁ, ସୁଗମ କରିଛୁ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଜୀବନରେ ସେଇ ଶାନ୍ତି, ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଏତିକି କହି ଆଜିର ବିଚାରକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଏ ବିଚାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ହିତବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଥରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଅହିତ କରିବେ? ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁଠି ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କଥା ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ। ଏ ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।